हाय गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मारवाड़ का इतिहास। यस मेवाड़ का इतिहास बापा रावल, शासनकाल 734 से 753 ईस्वी। यह महेंद्र द्वितीय का पुत्र था, यानी बापा रावल था जो महेंद्र द्वितीय का पुत्र था। उनका वास्तविक नाम कालभोज था। बापा ने 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान से चित्तौड़ दुर्ग जीता था। उनके बाद है अल्लट। शासनकाल है 1951 ईस्वी से 1954 ईस्वी। अल्लट ने आहाड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। जेत्र सिंह, शासनकाल 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक। जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ बनाई। रावल रतन सिंह, इनका शासनकाल था 1303 ईस्वी। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इनके शासनकाल की प्रमुख घटना यह थी कि यह चित्तौड़ का प्रथम शाका थे। खिलजी ने चित्तौड़ विजय के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने पुत्र को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रखा। चित्तौड़ आक्रमण के समय प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। राणा हमीर, शासनकाल 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी। हमीर ने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली। सिसोदिया वंश की नींव चित्तौड़ में हमीर ने डाली। हमीर के बाद ही मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। महाराणा लाखा, शासनकाल 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक। लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा, शासनकाल 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी। पहला युद्ध है संगरपुर का युद्ध। महाराणा कुंभा व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी में लड़ा गया। जो संगरपुर का युद्ध है वो महाराणा कुंभा व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य 1437 ईस्वी में लड़ा गया। इनमें कुंभा विजयी हुआ। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसके निर्माणकर्ता व सूत्रधार जेता और उसके पुत्र नापा पोमा व पूजा थे। विजय स्तंभ पर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति खुदाई, जिसके रचयिता कवि अत्रि व महेश थे। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका प्रमुख शिल्पी मंडन था। कुंभा के शासनकाल में जैन श्रेष्ठी धरनक ने 1439 ईस्वी में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसका शिल्पी देपाक था। महाराणा सांगा, शासनकाल 1509 से लेकर 1527 ईस्वी तक। महाराणा रायमल का पुत्र महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना। खातोली का युद्ध 1517 में सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया युद्ध, जिसमें सांगा विजयी हुआ। खातोली वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। खानवा का युद्ध, जिला भरतपुर तहसील डूपास का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा युद्ध के पश्चात भारत में मुगलों का साम्राज्य समाप्त हो गया। खानवा युद्ध में बाबर की विजय का कारण बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति थी। 30 जनवरी 1528 को कालपी के पास ईरित गांव में राणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। महाराणा विक्रमादित्य, शासनकाल 1531 से 1534 ईस्वी। महाराणा सांगा का छोटा पुत्र 1531 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। 1533 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब सांगा की हाड़ी रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता न मिलने पर करमवती ने बहादुर शाह से संधि कर ली। 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। वह उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई, जहाँ के किले द्वार आसा देवपुरा ने उदय सिंह को अपने पास रखा। 1534 ईस्वी में चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ। महाराणा उदय सिंह, शासनकाल है 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक।
महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया। उदय सिंह ने 1569 ईस्वी में उदयपुर शहर बसाया। उदयपुर शहर उदय सिंह ने 1569 ईस्वी में बसाया। इनके शासनकाल में 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ का तृतीय शाखा हुआ। महाराणा प्रताप, शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी, जन्म है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। गोगुंदा, यहाँ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने सर्वप्रथम जलाल खां को नवंबर 1572 ईस्वी, फिर राजा मानसिंह मार्च 1573 ईस्वी में, भगवंत दास सितंबर 1573 ईस्वी में और अंत में टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर की सेना व महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी, जो कि राजसमंद में, वहां युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की सेना विजयी हुई। इस युद्ध को कर्नल टोड ने, मेवाड़ की थर्मोपली अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। चावंड, महाराणा प्रताप की राजधानी रही है, यही महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। चावंड के पास बांडोली में उनका दाह संस्कार किया गया। महाराणा अमर सिंह प्रथम, शासनकाल है 1597 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 19 जनवरी 1857 को अमर सिंह का राज्याभिषेक चावंड में हुआ। महाराणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को खुर्रम, अमर सिंह व कुंवर करण सिंह को लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ते महाराणा राज सिंह, शासनकाल 1652 से 1608 ईस्वी, 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को अपने राज्य में लगाने से मना कर दिया। राज सिंह ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी व कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति प्रतिष्ठा करवाई। इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया व भारत के सबसे बड़े शिलालेख राज प्रशस्ति की रचना कराई। महाराणा जग सिंह द्वितीय, शासनकाल 1734 ईस्वी से लेकर 1778 ईस्वी तक। महाराजा जगत सिंह व जयपुर नरेश भाई जय सिंह ने 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के हुरोडा नामक स्थान पर मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया। महाराणा भीम सिंह, शासनकाल 1818 में महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर नरेश जगत सिंह व जोधपुर शासक मान सिंह के मध्य विवाद हुआ। विवाद का अंत कृष्णा कुमारी को जहर देकर किया गया।